थाना रजबपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का हुआ खुलासा। एक अभियुक्त में अवैध शस्त्रों के गिरफ्तार। जिला अमरोहा में आज प्रेस क्लब में अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने एक चोरी की घटना का खुलासा किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिनांक 10 फरवरी 2020 को श्री असलम पुत्र फयाज निवासी ग्राम राजूपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा थाना रजबपुर पर तहरीर दी कि वह ग्राम धनौरी माफी में ठेके पर गन्ना कोल्हू चलाता है। 9 फरवरी 2020 को मेरा पुत्र अश्वद अमरोहा से गुड़ बेचकर ट्रैक्टर से धनौरी माफी आ रहा था। ग्राम धनौरी माफी के पास आम के बाग के नजदीक दो अज्ञात व्यक्ति मेरे पुत्र के ट्रैक्टर की डिक्की से 71,000 रुपए चोरी कर ले गए। तहरीर के आधार पर थाना रजबपुर पर मुकदमा आधार संख्या 35/2020 धारा 379 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दिनांक 6 मार्च 2020 को क्षेत्राधिकारी धनौरा श्रीमती मोनिका यादव के पर्यवेक्षण में थाना रजबपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर झनकपुरी चौराहे के पास से अभियुक्त धीरज उर्फ लाला पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम महेश्वरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। 10 फरवरी को एक व्यक्ति द्वारा रजबपुर थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। लड़का ट्रैक्टर से कुछ पैसे लेके आ रहा था, तभी दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसका पैसा चुरा लिया। इस सूचना पर उसका अभियोग पंजीकृत किया गया था। कल दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने चोरी की घटना को स्वीकार किया है। उनके पास से 51 रुपये, 3 तमंचे, 315 बोर के और कारतूस बरामद हुए। अच्छा सर, 3 तमंचे क्या कहें, किस तरीके से? ये 3 तमंचे इन्होंने अपने लिए खरीदे थे ताकि ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सके। हमारी मुखबिरी के आधार पर गिरफ्तारी हुई। सर, जो घटना की थी चोरी की, वो किस तरीके से अंजाम दिया गया था इसमें? चोरी की घटना ट्रैक्टर पर जब लेके जा रहा था तभी वो डिक्की से उन्होंने चुरा लिया था। अकेले में नहीं, दो लोग थे और घटना अज्ञात थी, जान नहीं पाया। ठीक।